Welcome to Shodhak Sir's classes. Today, for CSI and NEET and IIT JAM gate, there is one basic topic that is acid-base chemistry. ये तो हम लोग बहुत बचपन से पढ़ने चले आ रहे हैं. तो what is acid-base? Acid-base मतलब हम लोगों को दिखाई देता है कि hydrochloric acid और sodium hydroxide. तो वो एसिड बेस क्यों है और किस लिए है वो देखने से पहले हम लोगों के पास डिफरेंट मॉडल्स आता है, मॉडल्स फॉर एसिड बेस थ्योरी. तो हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक क्या है, मॉडल्स फॉर एसिड बेस थ्योरी. ये हम लोगों के पास जो मॉडल्स है उसमें फर्स्ट क्या आता है, एरेनियस मॉडल. तो ये एरेनियस मॉडल क्या है, जहां पे एसिड H प्लस डोनर और बेस क्या है, H प्लस एसिड. तो बेस इज OH माइनस डोनर, सॉरी. ये हो गया हम लोगों का एरेनियस मॉडल. यहां पे देख से एच सी एच तो हो जाएगा एच प्लस डोनर और एनएच हो जाएगा ओएच माइनस डोनर, तो वो दोनों एसिड बेस हो गया. अभी देखते हैं नेक्स्ट में क्या आता है. नेक्स्ट में है, मैं अभी ज्यादा नहीं बोलूंगी, सिर्फ इसका डिस्क्रिप्शन दूंगी. ब्रॉन स्टेट लाउडी थ्योरी, वो क्या बोलता है, वो बोलता है एसिड इज H प्लस डोनर, ओके, और बेस H प्लस. बेस हो गया एच प्लस एक्सेप्टर और एसिड हो गया एच प्लस डोनर. ये है ब्रॉन्स्टेड लाउडी थ्योरी. नंबर थ्री में आता है लुईस एसिड बेस थ्योरी. लुईस एसिड बेस थ्योरी, एसिड क्या है, लोन पेयर डोनर और बेस क्या है, लोन पेयर एक्सेप्टर. सॉरी ये गलत हो गया, ये हो जाएगा एसिड और ऊपर वाला हो जाएगा बेस. देन ये वाला आ गया और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल
लिप्टोफाइड न्यूक्लियोफाइड मतलब एसिड लव्स इलेक्ट्रॉन। सो ये है इलेक्ट्रोफाइल और बेस लव्स न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियोफाइल। तो ये हो जाएगा हम लोग का एसिड एंड बेस थ्योरी। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोग का एसिड बेस थ्योरी। और इसके बाद और तो बहुत अनइम्पोर्टेंट थ्योरी है, मैं उसको भी बोल देती हूं कि एसिड है, ये है लॉक्स फ्लड प्रिंसिपल। एसिड ऑक्साइड एक्सेप्टर मतलब ऑक्साइड मतलब O2 माइनस एक्सेप्टर और बेस O2 माइनस डोनर। और एक है उसर्नोविच थ्योरी, वो क्या बोलता है कि एसिड बेस रिएक्शन मतलब सॉल्ट फॉर्मेशन। ये हो गया हम लोग का एसिड बेस थ्योरी का मॉडल्स। मैंने पहले जो एग्जांपल बोला था वो क्या था, वो था HCl और NaOH का। तो HCl aqueous medium में क्या देगा, H plus और Cl minus, और NaOH aqueous medium में क्या देगा, Na plus and OH minus। तो ये हो गया बेस और ये हो गया एसिड, क्योंकि ये वाला OH minus हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है और ये वाला प्रोटॉन दे रहा है, इसीलिए हम लोग एडेनियस मेथड को यहां से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अभी अगर हम लोगों ने एडेनियस के बाद में क्या आता है, ब्रॉनस्टेड लॉ, वो उन्होंने क्या बोला था कि एसिड इज एच प्लस डोनर, वो तो सेम ही है, ऐसे ही एच प्लस एचसीएल दे रहा है, लेकिन NaOH माइनस बेस एच प्लस आयन एक्सेप्टर कैसे हो गया। OH माइनस NaOH से क्या आता है, OH माइनस, तो OH माइनस जो आया वो क्या करेगा, वो मीडियम में वाटर है तो वो क्या करेगा, ये मीडियम से वाटर लेके फिर से OH माइनस बना देगा। तो मतलब मीडियम से ये वाटर ले रहा है, हम लोग ऐसे दिख नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग अगर इसको OH को OD से सब्स्टिट्यूट कर दे तो हम लोग ये देख पाएंगे, क्योंकि OD माइनस अगर हम लोग ले ले और उसके बाद हम लोगों ने वाटर दिया मीडियम में तो क्या आएगा, HOD प्लस, देखो अपना HOD भी आ गया OH माइनस, इसका मतलब ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो ये वाला हो गया हम लोग का ब्रॉनस्टेड लाउडी का प्रिंसिपल। और उसके साथ और एक इफेक्ट आता है जो एसिड बेस थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन मतलब जो कोई हम लोगों का एसिड और बेस मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, वो मीडियम में सॉल्युबल हो जाता है, सॉल्युबल होकर कोई एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दिखाता है। उससे पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडेनियस मॉडल में, एडेनियस मॉडल और ये जो हम लोग का ब्रॉनस्टेड लाउडी का मॉडल है,
एंड उसका कुछ ड्रॉबैक्स है। तो एरेनियस का ड्रॉबैक्स क्या है? वो बोला था एच प्लस और ओएच माइनस। लेकिन हम लोग ये तो जानते हैं कि BF3 BCl3 ये भी एसिड है, तो ये तो एच प्लस नहीं देता है, तो ये एसिड कैसे हो गया? ये सब वो वाला एरेनियस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और लेकिन लुईस एसिड थ्योरी में, और ये वाला एमोनिया, एमोनिया बेस कैसे है, उसमें तो एच माइनस का जरूरत ही नहीं। तो ये वाला, लेकिन ये एमोनिया का जो केस है वो हम लोगों का ये ब्रॉनस्टेड लॉ ने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि ये बेस है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है इसलिए ये बेस है। ये वाला रिएक्शन ब्रॉनस्टेड लॉ के थ्रू एक्सप्लेन हुआ था। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने इसका जो ड्रॉबैक स्टेट देख के क्या हुआ कि कोई हम लोगों का सॉल्वेशन थ्योरी सामने आ रहा है। ये पूरा एसिड बेस थ्योरी नहीं, ये थोड़ा सॉल्वेशन के ऊपर डिपेंड करके एसिड बेस को एक्सप्लेन किया गया। तो ये थ्योरी कैसे आया कि हम लोग वाटर क्या करते हैं अपने मीडियम में, मतलब ऑटो डिसोसिएशन जो मेकानिज्म है, एच प्लस और ओएच माइनस। तो हम लोग अगर मीडियम में कोई एसिड और बेस ऐड करेंगे तो मीडियम में क्या होगा, अगर एच प्लस का आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया वाटर मीडियम में, ये क्या बोलता है, कोई हम लोग कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट, ऐसे नहीं कि वाटर, कोई भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में हम लोग एसिड और बेस ऐड करते हैं तो उसका जो पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव कैटायन का अमाउंट अगर बढ़ जाएगा तो वो है एसिड, और कोई अमाउंट ऐड करने से उसमें जो नेगेटिव पार्ट है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा तो वो है बेस। तो इधर कोई एसिड ऐड करने से कि कोई सिस्टम ऐड करने से अगर इसका एच प्लस का अमाउंट बढ़ गया तो अभी क्या है, वो एसिड है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें अगर HCl लेंगे तो इसमें किसका अमाउंट बढ़ेगा, एच प्लस का। इसी तरह से बहुत सारा ऑटो प्रोटोनेशन कंपाउंड का दिखाया गया है। कौन कौन सा ऑटो प्रोटोनेशन कंपाउंड हम लोग बोल सकते हैं, NH3 ऐसे 2NH4 प्लस प्लस NH3 NH2 माइनस 2NH3। ये क्या है, ये है एसिड, ये प्रोटॉन छोड़ेगा, और ये है बेस। कोई मीडियम में अगर कोई रिएजेंट देने से अगर मीडियम में इसका अमाउंट बढ़ गया तो वो वाला रिएजेंट को हम लोग बोलेंगे एसिड और इसको हम लोग बोलेंगे बेस। और भी एग्जांपल आता है कि H2SO4 एच प्लस HSO4 माइनस, और है एसिटोनाइट्राइल, वो है CH3 CNH प्लस और CH2 CN नेगेटिव। ये सब के लिए कोई भी हम लोग रिएजेंट ऐड करेंगे तो ये वाला कैटायन का अमाउंट अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो वाला है एसिड, और एनायन का अमाउंट अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो हो जाएगा हम लोग का बेस। तो ये वाला हो जाएगा नॉर्मल जो फंडामेंटल्स ऑफ एसिड बेस थ्योरी। अभी एसिड बेस थ्योरी में नेक्स्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आया कि लुईस एसिड बेस। तो लुईस एसिड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इसका मतलब जो हम लोगों का एसिड है वो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और जो बेस है वो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर है। डेटिव बॉन्ड हम लोगों ने इसीलिए दिखाया कि ये वाला जो दो रिएक्शन है वो एमोनिया से जा रहा है बोरॉन से, कोई मतलब कोई इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये वाला कैसे जाता है कि ये है एमोनिया का स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, ये हो जाएगा इसका होमो, और ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ इसका लुमो। तो ये दोनों
खाली पड़ा है, ये दोनों इंटरैक्ट करेगा। ये इंटरैक्शन को हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब क्या है, बेस क्या देगा, होमो, और एसिड क्या देगा, लूमो। तो ये वाला जो थ्योरी है ये बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है। इसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, टोटल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस लुईस एसिड बेस मैकेनिज्म। तो लुईस एसिड बेस मैकेनिज्म का हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल कैसे आएगा। सो दिस हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं कि Ag प्लस प्लस 2NH3, इधर क्या होगा कि एक NH3 इधर, Ag प्लस ये एसिड है, ये पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ये वो एक्सप्लेन कर सकता है। अभी लुईस एसिड बेस और एक चीज को एक्सप्लेन कर सकता है जो ऑक्सीडाइजिंग मैकेनिज्म, ऑक्सीडाइजिंग मैकेनिज्म ऑफ वाटर। एक्चुअली हम लोगों को ये वाला रिएक्शन तो पता है कि वाटर में अगर हम लोग कैल्शियम मेटल ले देते हैं तो क्या बनेगा, OH- CO2+ प्लस H+। ये वाला रिएक्शन एसिडिक हम लोगों का वाटर मीडियम में फॉर्म होता है। तो ये वाला रिएक्शन अगर वाटर मीडियम में फॉर्म होता है तो अभी एक चीज बचा रह गया कि ये वाटर मीडियम में ये वाला रिएक्शन अगर फॉर्म होगा तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इसको वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरह दिखते हैं, ये वाटर का होमो हो गया और ये ऊपर वाला ये है, लेकिन अभी ये कैल्शियम इधर, इसका दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा इधर का होमो से, इधर इसका होमो से इसके लूमो में एनर्जी ट्रांसफर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दिस एनर्जी इज इन लोअर स्टेट, सो इधर से इधर एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो एनर्जी अगर ट्रांसफर हो जाएगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन चला आएगा कैल्शियम के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से वाटर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर चला आएगा। तो उससे क्या होगा, उससे जो CN बन जाएगा CO2+ और H2O अपना ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग लीड्स टू बॉन्ड ब्रेकिंग। तो ये हो जाएगा हम लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस ऑक्सीडेशन ऑफ कैल्शियम। अभी और एक एग्जांपल, वाटर को हम लोगों ने इसी तरह से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। अभी अगर हम लोगों ने फ्लूरीन ले लिया तो फ्लूरीन का ये हो जाएगा इसका पाइस्टर और ये हो जाएगा इसका सिग्मास्टर। फ्लूरीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये वाटर का होमो, इधर दो इलेक्ट्रॉन है तो ये दो इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस है तो एनर्जी नीचे आना चाहेगा और नीचे आना चाहेगा एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी आएगा तो क्या होगा, वो Fe बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। यही रिएक्शन है इधर को फॉर्मेशन का। तो अभी और एक चीज हम लोग इससे डिफाइन कर सकते हैं, वो है हम लोगों का सॉल्वेशन। सॉल्वेशन अगर हम लोगों ने मीडियम में क्लोरीन लिया इधर, ये है वाटर होमो
और ये है सीएल माइनस, ये सीएल माइनस सॉल्वेटेड है। तो अभी ये दोनों का एनर्जी नियरली सेम है, तो एनर्जी नियरली सेम है मतलब ये क्या करेगा, ये अटैक करना चाहेगा, इधर अटैक होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा कि हम लोगों का जैसे सॉल्वेशन होता है सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल की तरह रह जाएगा, सीएल माइनस प्लस एच टू ओ एंड मतलब सीएल एच टू ओ एंड माइनस, ये हो गया। सिमिलरली उसी तरह से हम लोगों ने कैटायन को भी डिजॉल्व कर सकते हैं, एक कैटायन दे देते हैं एमजी एमजी टू प्लस, उसका 2s है, 2s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसका होमो थोड़ा सा ऊपर है, तो ये क्या करेगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा मतलब और मतलब इतने एनर्जी कम है तो ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का पूरा लुईस एसिड बेस मिलके जो काम करता है वो वाला स्ट्रक्चर। अभी हम लोग देखेंगे कि हार्ट्सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या है, हार्ड एसिड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, ये जो पेयर है ये है मोस्ट स्टेबल पेयर, यही है हार्ड एसिड हार्ड बेस सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस थ्योरी का फंडा। तो अभी हार्ड एसिड क्या है, हार्ड एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स है closely packed electron cloud और second higher charge और oxidation state, ये किसी के अंदर होगा तो ये हो जाएगा higher positive charge, ये किसी के अंदर होगा तो वो हो जाएगा hard acid, जैसे कि Na प्लस Al3 प्लस Mg2 प्लस ऑल दीज आर हार्ड एसिड। तो सॉफ्ट एसिड क्या है, लूजली पैक्ड, उसका उल्टा ही होगा ना, लूज पैक्ड, इधर है लोअर और इसका एग्जांपल है ट्रांजिशन मेटल्स मोस्टली सेरियन टू प्लस पीटी टू प्लस पीटी टू प्लस ऑल दीज, ये है हार्ड सॉफ्ट। सॉफ्ट के लिए भी और बेस के लिए भी सेम, बेस का मैं एग्जांपल दे देती हूं, ओ टू माइनस एफ माइनस, इसका साइज भी बहुत छोटा है तो चार्ज को पूरा पैक्ड अप करके रह पाता है, तो ये सब हो जाएगा हार्ड बेस। और हार्ड एसिड क्या है, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, आई माइनस बी आर माइनस इवन सी एल माइनस, ऑल दीज आर हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। तो ये वाला हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, इसका एग्जाम्पल तो बहुत सारा आता है, तो कोई भी रेफरेंस बुक में आप देख सकते हो, लेकिन इसका जो मेन चीज है ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक है, एक अगर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया कि
ये वाला कंपाउंड जिंक, जिंक के साथ जुड़ा हुआ है जिंक ऑक्साइड, अभी उधर उसके साथ रिएक्शन कर पाया C4H9। C4H9 क्या है? C4H9 मतलब हम लोग का ब्यूटेन। तो ब्यूटेन ये वाला तो ब्यूटेन है, ब्यूटेन मतलब टर्शियरी ब्यूटेन। तो ये क्या करेगा, ये रिएक्शन बहुत जल्दी से जिंक C4H9O2+Na2O ये वाला दे देता है। क्यों देता है? कि ये है सॉफ्ट, ये हार्ड, ये भी हार्ड, बट ये है सॉफ्ट। तो सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ मिल जाएगा, हार्ड हार्ड के साथ मिल जाएगा। इसीलिए हम लोगों का और एक चीज आता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एजीएस। हम लोग जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर सॉफ्टर, और ये है सॉफ्ट, तो जो ज्यादा सॉफ्ट है उसके पास जाना चाहेगा। इसीलिए AgF इज सॉल्युबल इन वाटर बट AgI इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये हो गया हम लोगों का पूरा एसिड बेस केमिस्ट्री का पूरा थ्योरी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर स्टेइंग विद अस।